सो रियलमी नार्जो 75G को यूज करते हुए मुझे 1 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है एंड रिसेंटली बीजीएमआई का भी न्यू अपडेट आया था प्लस फोन में भी नया अपडेट आ गया है, इसीलिए हम इस वाले फोन का आज बीजीएमआई टेस्ट करने वाले हैं और टेस्ट हम लोग विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, जिसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर। रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, 1080p 60fps एंड बिट रेट हमारा रहने वाला है 8 Mbps। देन फोन की ग्राफिक सेटिंग्स आप लोग देख सकते हो, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में हम लोग टेस्ट को करने वाले हैं, जायरोस्कोप वगैरह मेरा सब कुछ ऑन रहने वाला है प्लस FPS मीटर भी ऑन रहेगा, तो आप लोग उस पर ध्यान रखना FPS किधर किधर पे ड्रॉप हो रहे उस चीज से आप लोगों को परफॉर्मेंस का अंदाजा लग जाएगा आराम से। बाकी एंडिंग में मैं आप लोगों को अपने पीवी से तो बता ही दूंगा कि मुझे परफॉर्मेंस फोन की कैसी देखने को मिली। तो अब हम लोग भाई सीधे गेम प्ले की तरफ चल लेते हैं।
सो गेम प्ले देख के आप लोगों को फोन की परफॉर्मेंस के बारे में आइडिया लग ही गया होगा। मेरे हिसाब से इस टाइम पे फोन की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़िया है। पहली बात तो भाई 13,000 रुपए के फोन में मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ 60 FPS का गेम प्ले कर रहा हूँ एंड फोन फिर भी FPS को 40 से ऊपर ही हमेशा मेंटेन करके रख रहा है। यही चीज बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे FPS 60 के आसपास ही रह रहे थे एंड कुछ कुछ जगह थी जहाँ पे एकदम से 2-3 बंदे निकल जा रहे थे या फिर लैंडिंग वगैरह के टाइम पे FPS जो है 30 के आसपास तक के जा रहे थे, वो भी बहुत रेयर सिचुएशंस में। मुझे जितनी भी जगह पे फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिले मैंने सारी सिचुएशंस को कवर किया है वीडियो में। एंड देखो फोन ऐसा हीट वगैरह भी नहीं कर रहा था, यानी कि क्लियरली अपडेट्स के बाद इन लोगों ने फोन में बहुत सारे इंप्रूवमेंट डेफिनेटली किए हैं। क्योंकि अगर आप लोग मेरा इसी फोन का प्रीवियस टेस्ट जाके देखो तो उसमें फोन इतना अच्छा परफॉर्म बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के भी नहीं कर पा रहा था, बट अब आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भी स्मूथ गेम प्ले फोन में कर पा रहे हो। नाउ बहुत सारे लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस पे कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई बैटरी बैकअप इसका कैसा मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बैटरी की प्रॉब्लम हो रही है इस वाले फोन में। मेरे साथ ऐसा कोई भी सीन नहीं है, मेरे फोन की बैटरी एकदम सही चल रही है एंड बैटरी ड्रॉप भी भाई जैसी होती है नॉर्मल फोन में वैसी ही हो रही है। बैकअप भी फोन अच्छा खासा प्रोवाइड कर दे रहा है। अगर आप लोग इस वाले फोन का BGMI बैटरी रेंज टेस्ट देखना चाहते हो तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। ओवरऑल मुझे अभी भी लगता है कि अगर 13,000 में आप लोग CMF फोन 1 को बाय नहीं कर पा रहे हो, डेफिनेटली Realme Narzo 75G के साथ आप लोग जा सकते हो, वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन है। गेमिंग आप लोगों को इसमें अच्छी देखने को मिल जाएगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आप लोग गेमिंग भी कर सकते हो, प्लस कैमरा बैटरी एंड डिस्प्ले तो फोन का अच्छा है ही है। सो बस वीडियो में इतना ही, होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो एंड हमेशा की तरह लाइक सब्सक्राइब शेयर तीनों चीज आप लोग कर देना। और अगर कोई डाउट आप लोगों का छूट जाता है फोन से रिलेटेड तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में उन्हें पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।